अस्सलामुअलैकुम, दाऊद तनवीर आपकी खिदमत में हाजिर दोबारा से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कबूतर यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बड़ा ही सुहाना किस्म का मंजर है यहाँ पे। इतने ज़्यादा कबूतर रोज़ यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहीं पे ही जगह गंदी करेंगे, यहीं पे खाना खाएंगे और कैसी मज़े की बात है। मस्जिद नबी के अंदर ये कबूतर खाना नहीं खाते, इनका खाने का एक जगह है और ये रोज़ यहाँ पे आते हैं, रोज़ सारा दिन यहीं पे आके खाना खाते हैं। सुभान अल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। और लोग रोज़ यहाँ पे आके इन कबूतरों को दाना देते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ के कबूतर, लोग इनको रोज़ खाना देते हैं और रोज़ खाते हैं ये, और रोज़ दोबारा से इनको भूख लग जाती है। बहुत मज़े का मंजर है। और यहाँ पे इस टाइम गर्मी भी है लेकिन इतनी प्यारी हवा चल रही है कि बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, ज़रा सा भी पसीना नहीं आ रहा। बहुत मंजर, मज़े का मंजर है। आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी वाला कबूतरों को हॉर्न दे रहा है। अभी अभी नमाज ख़त्म हुई है और लोग यहाँ से मस्जिद नबी से नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कितना ज़्यादा हजूम है, कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, अभी आप देखेंगे। यहाँ पे करीब 5 मिनट जो है ना, लोग सिर्फ अपने घरों में, अपने होटल्स में, अपने कामों पे जा रहे हैं और सिर्फ मस्जिद से 5 मिनट लोग निकलते ही रहते हैं। सुभान अल्लाह, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रैफिक है बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ये हाजियों की और जो भी यहाँ पे पैसेंजर्स हैं। ये उनके लिए जगह छोड़ देते हैं कि गुजर जाएं। वो देखें जैसे पीछे आप देख रहे हैं, ऐसा ज़ेबरा क्रॉसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, कोई इतना ख़ास फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं आप जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं। लोग यहाँ पे अपने मुल्कों से आए हुए हैं, यहाँ पे रहने वाले भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मदीने शरीफ की रौनक आप लोगों के सामने। रहमत की बरसात आती है दिलो जान या रसूल अल्लाह अय्युहल मुख्तारु फीना
टाइम शाम के 4:30 बजे हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी कबूतर मज़े से खाना खा रहे हैं बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स उतार रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और कबूतरों की फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पे हर ज़ुबान के लोग हैं, हर ज़ुबान के। टर्किश बहुत हैं यहाँ पे, अमेरिकन मुस्लिम्स आते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं मस्जिद नबी की ज़्यारत के लिए, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। क्या बात है, वो दूर आप जो देख रहे हैं वो मिस फैंस लगे हुए हैं, वो सामने आप लोग देख सकते हैं। ये सारे नमाजियों के लिए यहाँ पे ज़रा बेहतर इन्वायरमेंट बनाने के लिए, क्योंकि धूप भी होती है हर टाइम्स और तपिश भी होती है धूप की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इतनी अच्छी आवाज़ चल रही है इस टाइम कि आपको बिल्कुल पसीना नहीं आता। लेकिन फिर भी यहाँ के इंतज़ामिया ने मिस्ट फैंस लगाए हुए हैं यहाँ पे, छतरियाँ खुली हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। लोग इन पंखों के नीचे खड़े हैं और ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे हैं। तेरी महब्बत की महक से ये ज़मीन, अगर आप दूर देखें वो दरवाजे के करीब या इस दरवाजे के करीब अगर आप देखें तो अभी तक लोग वहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर का मंजर, लोग यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरती से ये मस्जिद बनाई गई है, सुभानअल्लाह। ये आब जमज़म के कूलर्स हैं यहाँ पे, गर्म और ठंडा आब जमज़म जितना मर्जी आप पी सकते हैं उतना पी लें। ये देखिए यहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कैसे छोटी छोटी खुशियाँ लोगों के लिए, लोग बहुत पैसे यहाँ पे अपने लगाते हैं सिर्फ क्या जी यहाँ पे रहने वालों के लिए खाने पीने का थोड़ा सा बंदोबस्त कर सकें और सवाब ले सकें। ये दस्तरखान बिछे हुए हैं यहाँ पे, लोगों को खजूरें दी जाती हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए, लोगों को दी जाती चीज़ें, सुभानअल्लाह। और यहाँ पे एक और बड़ी खुशी होती है इस सहन में ख़ास तौर पे, यहाँ पे
अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गुम्बद शरीफ की ज़ियारत इस सहन से भी हो जाती है। ये देखिएगा, صلاة